बॉडी एक्सक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीन पोजिशन इज 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर द करेस्पॉन्डिंग वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड देन टाइम पीरियड ऑफ द बॉडी। देखिए ये आ गया उसी तरीके से क्वेश्चन, अगर आप याद किए नहीं होंगे तो अभी मैं नोट करवाता हूं आपको। इसमें जो कह रहा है हमारा कि डिस्प्लेसमेंट एक्स वन कितना दिया है 4 सेंटीमीटर ले लेता हूं और एक्स टू कितना बोल रहा है जी 5 सेंटीमीटर है और वी वन कितना बोल रहा है जी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड और वी टू कितना बोल रहा है जी 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मेरी बात से सहमत हो? तो ये कह रहा है टाइम पीरियड बताओ। ये तो टी का जो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने वाले हैं टी इक्वल टू 2 पाई रूट में क्या यूज करने वाले हैं जी एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी वन स्क्वायर माइनस वी टू का स्क्वायर। तो इसे डायरेक्ट यूज करके आप क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं तो आंसर आसानी से आ जाएगा। करेंगे अब इसकी वैल्यू, तो टी की वैल्यू कितना होगा 2 पाई अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये कितना है जी 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। क्लियर है? अब इसमें अगर आप सॉल्व करोगे यहां पे जगह है यहां कर लेता हूं टी इक्वल टू 2 पाई रूट में इसको एक बार लिख सकते हो 5 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो एक बार ए माइनस बी तो 5 माइनस 4 कितना होगा 1 और एक बार ऐड करते हैं ए प्लस बी तो 5 प्लस 4 कितना हो गया 9। सेम कॉन्सेप्ट एक बार ऐड करेंगे 10 प्लस 8 सब्ट्रैक्ट करो 10 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 और एक बार ऐड करोगे तो 10 प्लस 8 कितना हो गया जी हमारा 18। इसे कट करोगे तो 2 से कट जाएगा 2 इंटू 2 तो रूट के बाहर आ जाएगा तो ये 2 पाई इंटू 1 बाई 2 2 से 2 कट गया तो ये आ गया पाई। तो टाइम पीरियड जो आया इसका पाई सेकेंड आया। इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा जी सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? बोलो एक चीज ध्यान रखे रहना, अब ये ना फिर कंफ्यूज होना सर आप कन्वर्ज नहीं कर रहे हो। अरे भैया मेरी बात समझो, ऊपर 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, नीचे भी सेंटीमीटर में दिया है इसका भी 10 की पावर माइनस 2 दोनों में आएगा, यहां भी स्क्वायर करोगे ऊपर नीचे से कट जाएगा। तो ये घर पे आपको एबिलिटी डेवलप करना पड़ेगा कि आपको जरूरत है या नहीं, आपको देख के पता होना चाहिए हाँ कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर नीचे से कट जाएगा, तो कन्वर्जन में आपको टाइम वेस्ट नहीं।